केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में जब हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार से जब ये सांसद पहुंचे तब से ये चर्चा का विषय बन गई है। हैरानी की बात यह है कि ये गाड़ी धुएं की जगह पानी निकालती है। इस वीडियो में हाइड्रोजन की कार के बारे में हम डिटेल से जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो से आपके ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रिक कारों को फ्यूचर का कार कहा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये खिताब अब हाइड्रोजन कारों के नाम होने वाला है, क्योंकि अब हाइड्रोजन कारों को भविष्य का ईंधन कहा जाने लगा। वैसे इलेक्ट्रिक कार काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कुछ खामियां हैं, जैसे कि इनकी रेंज। इलेक्ट्रिक कारों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसकी रेंज। आप जितना ज्यादा इसका रेंज बढ़ाना चाहेंगे उतनी ज्यादा आपको इसमें बैटरी लगानी पड़ेगी। ज्यादा बैटरी का मतलब है कि कार की ज्यादा कॉस्ट और ज्यादा वजन। ज्यादा वजन होने की वजह से इसकी रेंज भी काफी ज्यादा फर्क आता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं इसका एक दायरा हो जाता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड में जो लिथियम बैटरी के लीडिंग प्रोड्यूसर है वो चाइना और चिली। ज्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट में इनकी मोनोपोली बढ़ेगी और ये अपने मनमानी के आपसे पैसे लेंगे, वैसे जैसे कुछ क्रूड ऑयल के साथ होता है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए जापानी कंपनी टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली कार टोयोटा मिराई को इंडिया में लॉन्च किया है। इस कार की लॉन्चिंग सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने की है। इस कार की खास बात यह है कि यह कार एक बार में 650 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इस कार का नाम मिराई इसलिए रखा गया है क्योंकि जापानीज भाषा में मिराई का मतलब होता है भविष्य, और टोयोटा इसे भविष्य का कार मानती है। दोस्तों अब आप लोग जानना चाहेंगे कि यह कार काम कैसे करती है। हाइड्रोजन से चलने वाली यह कार फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम करती है, इसलिए इस गाड़ी को HFCV यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल कहा जाता है। अब ये फ्यूल सेल सुनकर ये मत समझिएगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। इस कार के मुख्यतः चार कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन टैंक, दूसरा होता है फ्यूल सेल स्टैक, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक मोटर या ट्रैक्शन मोटर, और चौथा होता है बैटरी पैक। अब देखिए, जैसे कार में लगे हाइड्रोजन फ्यूल टैंक से हाइड्रोजन यानी H2 गैस और ऑक्सीजन यानी O2 गैस, जो कि कार आराम से बाहर के वातावरण से प्राप्त कर लेती, ये दोनों गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल स्टैक यूनिट के अंदर जाते हैं। ये फ्यूल सेल स्टैक यूनिट इस कार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट में बदल देता है। अब जैसे ही गैसेज इन फ्यूल सेल स्टैक के अंदर जाती हैं, तो उसमें लगा फ्यूल सेल इन गैसेज को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी, भाप व हीट में बदल देता है। अब देखो, हीट और भाप की तो हमें जरूरत नहीं है, इस वजह से इन्हें एग्जॉस्ट पाइप यानी साइलेंसर की मदद से बाहर निकाल देता है। बाहर जाकर ये ठंडी हो जाती है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये धुएं की जगह पानी निकालता है, तो इस वजह से ये पानी निकालता है। अब जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पैदा हुआ है, उसे एक DC-DC कन्वर्टर की मदद से लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदल दिया जाता है, जिससे कार की बैटरी चार्ज की जाती है। अब ये बैटरी उस इलेक्ट्रिक करंट को ट्रैक्शन मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर में ट्रांसफर कर देती है, जिससे ये मोटर घूमने लगती है और कार चलने लगती है। अब हाइड्रोजन कार की खास बात ये है दोस्तों कि इसकी बैटरी आपने एक बार चार्ज कर ली तो आपको कभी नहीं चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस कार की बैटरी को चार्ज करता रहेगा। बस आपको बस इतना करना है कि जैसे आप अपने कार में पेट्रोल, डीजल या CNG भरवाते हैं, वैसे आपको अपनी गाड़ी में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन पर जाकर हाइड्रोजन भरवाना होगा। बेटा, अपने मिराई के लिए ऐसा क्लेम करती है कि अगर आपने इस गाड़ी का एक बार हाइड्रोजन फ्यूल टैंक फुल करवा लिया तो आप इस गाड़ी से आराम से 650 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये गाड़ी बिल्कुल इलेक्ट्रिक कार जैसी। अंतर बस इतना है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक कार को आपको चार्जिंग स्टेशन या घर पे आपको चार्ज करना पड़ता है, जबकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियों को आपको हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन पे जाके हाइड्रोजन डलवाना होगा। आई होप दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन कार क्या है और ये काम कैसे करता है। वैसे आपको क्या लगता है कि भविष्य की कार कौन सी होने वाली है, हाइड्रोजन कार या फिर इलेक्ट्रिक कार? वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।